बिधान चंद्र रॉय, जिन्हें अक्सर डॉक्टर बीसी कहा जाता है, रॉय एक प्रतिष्ठित चिकित्सक, एक प्रमुख भारतीय राष्ट्रवादी और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री थे। यहां उनके जीवन के बारे में कुछ प्रमुख तथ्य दिए गए हैं। तथ्य नंबर एक, डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय का जन्म 1 जुलाई 1882 को पटना, बिहार, भारत में हुआ था। तथ्य नंबर दो, उन्होंने चिकित्सा में अपनी शिक्षा हासिल की और कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से MBBS की डिग्री हासिल की। बाद में उन्होंने इंग्लैंड से MRCP, रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन के सदस्य, और FRCS, रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन के फेलो को पूरा किया। तथ्य नंबर तीन, डॉक्टर BC रॉय एक प्रसिद्ध चिकित्सक और सर्जन बन गए। उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया और चिकित्सा संस्थानों में कई प्रतिष्ठित पदों पर कार्य किया। तथ्य नंबर चार, वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। डॉक्टर रॉय सामाजिक और शैक्षिक सुधारों की मजबूत वकालत के लिए जाने जाते थे। तथ्य नंबर पांच, भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद डॉक्टर BC रॉय को 1948 में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने 1962 में अपने निधन तक इस पद पर कार्य किया, जिससे वह भारतीय इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्रियों में से एक बन गए। तथ्य नंबर छह, अपने कार्यकाल के दौरान डॉक्टर रॉय ने कई विकासात्मक परियोजनाएं शुरू की, जिनमें शैक्षिक और चिकित्सा संस्थानों की स्थापना, औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार शामिल था। तथ्य नंबर सात, उन्होंने भारत के पहले IIT भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT खड़गपुर की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने पश्चिम बंगाल में कई मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों की भी स्थापना की। तथ्य नंबर आठ, समाज में उनके योगदान की मान्यता में चिकित्सा के क्षेत्र में रॉय राष्ट्रीय पुरस्कार, यह भारत में चिकित्सा पेशेवरों को दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। तथ्य नंबर नौ, डॉक्टर BC 1 जुलाई 1962 को अपने 80वें जन्मदिन पर डॉक्टर रॉय का निधन हो गया। वे अपने पीछे चिकित्सा क्षेत्र और भारत के राजनीतिक परिदृश्य दोनों में उल्लेखनीय योगदान की विरासत छोड़ गए। डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय के जीवन की विशेषता चिकित्सा, शिक्षा और सार्वजनिक सेवा के प्रति उनका समर्पण था। वह पश्चिम बंगाल और पूरे भारत में एक सम्मानित व्यक्ति बने हुए हैं। उन्हें स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा में उनके अग्रणी प्रयासों के लिए याद किया जाता है। आपको मेरी यह जानकारी अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर देना।